Hello friends, how are you? I hope you are good. So let us discuss the article. So friend, article को discuss करने से पहले एक बार इसका overview जान लेते हैं. जो article है वो आज का article है. It is all about Delhi politics. दिल्ली की politics के बारे में. As we know, 8 फेब को Delhi में election होने वाले हैं. So writer अभी तीनों parties की जो strategy रहेगी, तीनों party जो main है, BJP, Congress and आम आदमी party. तो उनकी strategies के बारे में discuss करता है. कि कौन पार्टी कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेगी. सो लेट अस स्टार्ट. अ बैटल ओवर वेलफेयर. एक बैटल है, एक लड़ाई है. किसको लेके लड़ाई है, किसके ऊपर लड़ाई है, ये वेलफेयर को लेके. द आम आदमी पार्टी विल होप. आम आदमी पार्टी है वो होप करेगी. क्या होप करेगी, क्या होप करेगी, दैट की जो असेंबली पोल्स है, जो असेंबली के पोल्स है, आर अ रेफरेंडम. वो एक रेफरेंडम हो, एक जनमत संग्रह हो ऑन इट्स गवर्नमेंट वर्क. इसके जो भी गवर्नमेंट ने काम किया है, जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने काम किया है, उसको लेके आम आदमी पार्टी होप करेगी कि जो असेंबल पोल्स हैं, असेंबली के जो पोल्स हैं, वो एक रेफरेंडम हो. नेक्स्ट, दिल्ली यूनियन टेरिटरी. वी नो दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है. दैट होस्ट इंडियाज कैपिटल सिटी. इंडिया की कैपिटल सिटी भी है. माइट लैग बिहाइंड, पीछे हो, लैग बिहाइंड होता पीछे हो, शायद तो वो पीछे हो सेवरल स्टेट से इन टोटल पॉपुलेशन की जहाँ तक बात है एंड एरिया की बात है. राइटर कह रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली है, वो हो सकता है कि अदर सिटीज के, अगर स्टेट्स की बात की जाए तो उनमें पीछे हो. किस चीज़ में पीछे हो, पॉपुलेशन को लेके एंड एरिया को लेके. बट इट इंजॉय, लेकिन ये इंजॉय करती है इट दिल्ली के लिए, लेकिन ये इंजॉय करती है आउटसाइज. एक बहुत बड़े लेवल का साइज है, सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस को, लेकिन ये इंजॉय करती है इम्पोर्टेंस को. कौन सी इम्पोर्टेंस, इन टर्म्स ऑफ मीडिया, मीडिया को लेके एंड पॉलिटिकल अटेंशन को लेके. राइटर ने कहा कि जो दिल्ली है, हो सकता है कि दूसरे स्टेट से पीछे हो जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है, एरिया की बात है, बट एक बहुत ही बड़े लेवल का सिग्निफिकेंस है, उसको इंजॉय करती है. सिग्निफिकेंस कौन सा, मीडिया को लेके एंड पॉलिटिकल अटेंशन को लेके. एज वी नो दिल्ली में कुछ भी होता है वो मीडिया की नज़र में सबसे पहले आ जाता है और देश की नज़रों में सबसे पहले आ जाता है. आगे बढ़ते हैं. विथ 147 करोड़ इलेक्टर्स स्प्रेड अक्रॉस द लार्जली मेट्रोपॉलिटन नेशनल कैपिटल रीजन. सो दिल्ली में जो वोटर्स की संख्या है वो है अराउंड 147 करोड़ के अराउंड. एंड इट्स पॉकेट्स ऑफ रूरल वोटर्स, और इसके जो पॉकेट्स पे रूरल वोटर्स है इन सम सब होता उपनगर के अंदर, वो अराउंड 147 है. दिल्ली इज एक्सपेक्टेड, आगे राइटर ने बोला है दिल्ली इज एक्सपेक्टेड. दिल्ली से उम्मीद की जा रही है इन पोल्स में जो 8 फेब को होने हैं, उसमें दिल्ली से उम्मीद की जा रही है. क्या उम्मीद की जा रही है, टू रिप्राइज करे, रिपीट करे. क्या रिपीट करे, द थ्री कॉर्नर इलेक्टोरल फाइट, जो तीन कॉर्नर की इलेक्शन की फाइट है उसको. कौन सी फाइट है, विच हैज़ बीन द नॉर्म इन रिसेंट इलेक्शन, जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुए, तो दिल्ली से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसी फाइट को ये दोबारा रिपीट करेगी. कौन कौन सी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी एंड कांग्रेस. नाउ राइटर इज टेलिंग अबाउट आम आदमी पार्टी, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी. द आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, विच ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ सोशल मूवमेंट, जो कहाँ से निकल गए, एक सोशल मूवमेंट से निकल गए टू अ पॉलिटिकल पार्टी, और बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई लेस देन अ डेकेड अगो, जस्ट एक डेकेड से भी कम समय में. आम आदमी पार्टी, ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है आपका, राइट. विल नाउ सिक, वो ट्राई करेगी, क्या सिक करेगी, क्या ट्राई करेगी, टू स्टैंड ऑन होना, डिपेंड ऑन होने की इट्स गवर्नेंस के रिकॉर्ड पे. जो आम आदमी पार्टी है वो गवर्नेंस के रिकॉर्ड पे होने की, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे डिपेंड होने की कोशिश करेगी. कौन सा रिकॉर्ड, 5 ईयर्स आफ्टर, जो 5 साल पहले था. 5 ईयर्स आफ्टर नियरली स्वीपिंग द असेंबली रिजल्ट इन 2015, जो 2015 का असेंबली रिजल्ट आया था, उसके बाद में जो उसने स्वीपिंग किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री आई थी इसकी. सो आम आदमी की होप है कि उसी को वो रिपीट करने की कोशिश करें. नेक्स्ट, द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, विल होप, वो होप करेगी. ये तो आम आदमी के रिगार्डिंग बताया. नाउ बीजेपी के बारे में, द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी विल होप, वो होप करेगी. क्या होप करेगी, दैट कि अनलाइक, ऐसा ना हो,
लाइक मतलब ऐसा ना हो, क्या ना हो, इन महाराष्ट्र झारखंड और हरियाणा में, जो हरियाणा जो महाराष्ट्र झारखंड और हरियाणा में हुआ है, द रीजन जो ग्रुप था, जो भीड़ थी ऑफ वोटर्स, वोटर्स की भीड़ थी, हु स्पॉटेड, जिन्होंने स्पॉट किया इट, इसे बीजेपी को जिन्होंने स्पॉट किया महाराष्ट्र झारखंड और हरियाणा में लोकसभा इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने बीजेपी को स्पॉट किया, विल नॉट ट्रांसफर देयर वोटर्स टू इट्स कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर्स, वे अपने वोट को कॉम्पिटिटर को ट्रांसफर नहीं करे। सो राइटर कहना चाहता है यहाँ पे, जो बीजेपी है वो नहीं चाहती कि, क्योंकि एक्चुअली जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें महाराष्ट्र झारखंड और हरियाणा ने इसमें बीजेपी को तो सपोर्ट किया था, लोकसभा में तो फुल मेजोरिटी के साथ सपोर्ट किया था, बट असेंबली इलेक्शन में ऐसा कुछ जनमत संग्रह निकल के नहीं आया, मतलब ऐसा स्पॉट निकल के नहीं आया, राइट। सो वाइल जबकि कांग्रेस विल सिक, जो कांग्रेस है वो सिक करेगी, ट्राई करेगी, क्या ट्राई करेगी, रिगेन, वापस गेट करने की, क्या गेट करने की, स्पॉट को, किन से स्पॉट, जो गरीब है और मार्जिनलाइज सेक्शन है, जबकि जो कांग्रेस है जो गरीब है और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनकी सपोर्ट को गेट करने की कोशिश करेगी, मोस्ट ऑफ होम जिनमें से ज्यादातर शिफ्टेड हो गए थे, ये गरीब और मार्जिनलाइज की बात करें उनमें से ज्यादातर जो वो शिफ्टेड हो गए थे एलिजेंस एलिजेंस टू द आप इन 2015। सो ज्यादातर है वो शिफ्ट हो गए थे आपकी तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ इन 2015 में। अब कोशिश जो बीजेपी कांग्रेस की जो कोशिश रहेगी वो इनको रिगेन करने की कोशिश रहेगी, उनके स्पॉट को रिगेन करने की, द आप आम आदमी पार्टी, इफ मल्टीपल ओपिनियन आर टू बी बिलीव्ड, अगर अलग अलग जो ओपिनियन चल रहे हैं उनके हिसाब से देखा जाए, इज टू द स्ट्रोंगेस्ट, इज ऑन अ स्ट्रोंग विकेट, वो अभी सबसे स्ट्रॉन्ग विकेट पे है, स्ट्रॉन्ग विकेट मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर अभी के जो ओपिनियन पॉल की बात करें, डिस्पाइट के बावजूद इट्स सेटबैक, जिसकी बहुत बड़ी हार हुई थी इन द लोकसभा इलेक्शन में, हालांकि लोकसभा इलेक्शन में तो इसकी की हार हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो आम आदमी पार्टी है अगर ओपिनियन की बात करें उसके बिहाफ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, वेयर लोकसभा इलेक्शन की बात करें, वेयर इट वोन ओनली 18% ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ द थर्ड प्लेस बिहाइंड द बीजेपी 56.6% एंड द कांग्रेस 22.2%। लोकसभा में जो आम आदमी पार्टी को मिला था वो 18% मिला था, एंड जो बीजेपी का शेयर था वो 56.6% था, एंड कांग्रेस गोट 22.2%, 22.5%, राइट। अ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी लोक नीति सर्वे, इस सर्वे के अकॉर्डिंग, ये पूरा नाम है ये सर्वे के अकॉर्डिंग, जो मई में हुआ था फाउंड, उन्होंने फाउंड किया, क्या फाउंड किया, इस सर्वे ने फाउंड किया, क्या फाउंड किया, दैट की व्हाट दे फाउंड, ये पूरा व्हाट का जवाब है, दैट की मोस्ट ऑफ दिल्ली वोटर्स, की ज्यादातर जो दिल्ली के वोटर्स थे हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया था बीजेपी के आपके अगेंस्ट, जो दिल्ली के ज्यादातर वोटर्स थे जिन्होंने आपके अगेंस्ट वोट किया था, अगेंस्ट द आप, आपके अगेंस्ट वोट किया था फॉर द अदर पार्टी, दूसरी पार्टीज को इन द नेशनल इलेक्शन में, नेशनल इलेक्शन में वांटेड, वो चाहते थे, जो लोग जिन्होंने आपके अगेंस्ट वोट किया था दूसरी पार्टी को, वो चाहते थे, क्या चाहते थे, द पार्टी की जो पार्टी टू रिटर्न टू द पावर इन द असेंबली, राइट। और वो चाहते थे कि वो पार्टी रिटर्न करे, वापस आए पावर के अंदर असेंबली इलेक्शन में। सो राइटर ने कहा कि जिन्होंने आप अगर राज्यसभा के इलेक्शन की बात करें, जो वोटर्स बीजेपी सॉरी जो वोटर आपके अगेंस्ट वोट किया था, अब वो चाहते कि वो दोबारा जो पार्टी है आपकी बात करें वो वापस असेंबली इलेक्शन में पावर में आए, दिस डिकोटोमी, डिक्टोमी हो जाएगा, जो भी टुकड़े हुए हैं, डिवाइड हुआ है इन सपोर्ट, सपोर्ट में जो भी डिवाइड हुआ है कुड बी एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, इस डिविडेंड को एक्सप्लेन किया जा सकता है किसके द्वारा, बाय द रीजनेबल सेटिस्फेक्शन के द्वारा, जो ये बटा है, जो डिवाइड हुआ है, जो सपोर्ट का डिवाइड हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है बहुत ही रीजनेबल तरीके से, जो रीजनेबल सेटिस्फेक्शन है, कौन सा सेटिस्फेक्शन है, अमंग वोटर्स, वोटर्स के मध्य में विद द वेलफेयर को लेके एंड डेवलपमेंट को लेके वर्क डन बाय द अरविंद केजरीवाल लेड गवर्नमेंट, जो अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पे काम किया और उससे जो लोग वहां पे सेटिस्फाई है, सो
उसी को लेके बोला जा रहा है कि हाँ इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हाँ कुछ लोग स्पॉट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर। आगे बढ़ते हैं। ए पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है शोन, उसने दिखाया है। क्या दिखाया है कि दैट की दिल्ली स्पेंड्स द मोस्ट, जो दिल्ली है वो सबसे ज्यादा खर्च करता है। किस पे खर्च करता है? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वाटर सप्लाई पे, सैनिटेशन पे, बिटवीन 2011 एंड 2019 दिल्ली ने सबसे ज्यादा खर्च किया है इन पर्टिकुलर एरिया में, राइट। और नियरली 40% ऑफ इट्स ओवरऑल बजट एलोकेशन कंपेयर टू एवरेज ऑफ 23% एल्सवेयर इन इंडिया। दिल्ली ने अपने जो टोटल बजट का 40% खर्च किया एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वाटर सप्लाई पे और सैनिटेशन पे बिटवीन 2011 एंड 2019 में, जबकि जो और है कहीं और एल्सवेयर इंडिया की बात की जाए वो 23% करते हैं। सो सबसे जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है ये निकल के आया। द आपका फोकस है, आपका जो फोकस रहेगा ऑन इम्प्रूविंग, इम्प्रूव करने पे रहेगा गवर्नमेंट की प्राइमरी एजुकेशन पे एंड हेल्थ हेल्थ केयर पे, मोहल्ला क्लिनिक स्कीम्स इन पर्टिकुलर, लोवरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वाटर सप्लाई कोस्ट। इसके अलावा ईजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ईज कर देना, उसको जो भी चिंता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चिंता है उसको कम कर देना थ्रू स्कीम्स, कुछ स्कीम्स चला के सचेज जैसे अभी इन्होंने चलाया था फ्री राइड शिप फॉर वुमेन के लिए इन गवर्नमेंट रन बेसिस में, हैज अर्न द पार्टी स्ट्रॉन्ग कैंपेन पॉइंट। राइटर ने बोला है, जो आपका जो फोकस रहेगा वो हैज अर्न, वो फोकस है वो अर्न कर रहा है। क्या अर्न करेगा? जो पार्टी के स्ट्रॉन्ग कैंपेनियन पॉइंट्स हैं, राइट। दिस कुड नॉट यील्ड इट, राइटर ने कहा कि दिस कुड नॉट यील्ड इट। हालांकि इसका जो कुछ यील्ड नहीं आया, कुछ फायदा नहीं हुआ, कब नहीं हुआ, डिविडेंड्स इन मई के अंदर इन्होंने जो भी कुछ उसको कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं है एज द पार्टी, क्योंकि जो पार्टी थे स्टिल डज नॉट हैव अ कोहेरेंट आइडियोलॉजिकल पोजिशन, क्योंकि जो पार्टी के ना अभी भी एक कोहेरेंट एक स्पष्ट आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी की पोजिशन नहीं है और नेशनल प्रेजेंस नहीं है। वाइल वोटर्स वर कंसर्न, जो वोटर्स है वो कंसर्न थे विद अदर इश्यूज, दूसरे इश्यूज को लेके सच एज नेशनल सिक्योरिटी को लेके, दैट फेवर द बीजेपी, जो बीजेपी को उसमें फेवर मिला था। राइटर ने बोला है कि इन सब चीजों का जो भी था लास्ट में उन्होंने काम किया, इसका मई में कुछ ज्यादा फायदा देखने को मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो वोटर्स थे, क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि एक तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा आप पार्टी का वो उसकी आइडियोलॉजी को लेके रहा कि उसकी आइडियोलॉजी के बारे में एक कोहेरेंट नहीं था, ठीक है। एंड सेकंड थिंग वो जो नेशनल सिक्योरिटी के लेके लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, सो दैट्स वाई लोग चाहते थे कि हाँ राज्यसभा में दोबारा बीजेपी ही आए। नेक्स्ट इज सो नेशनल सिक्योरिटी को लेके भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया था उस टाइम पे माहौल, सो दैट्स व्हाई दे फेवर्ड बीजेपी, उन्होंने बीजेपी को फेवर किया था। द आम आदमी इनकोहेरेंस, जो अजीब गरीब या फिर इरेशनल ऑन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे बहुत ही इरेशनल है, कौन से क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी को लेके जो क्वेश्चंस है उस पे वो ज्यादा इरेशनल है, वॉज अ ड्रॉबैक। राइटर ने कहा कि हाँ आम आदमी का जो इनकोहेरेंस है वो वॉज अ ड्रॉबैक, वो ड्रॉबैक था देन, तब उस टाइम पे ड्रॉबैक था देन तब, एंड दिस इज द रीजन, और यही रीजन था व्हाई इट विल सीक टू टर्न द पोल इनटू अ रेफरेंडम ऑन इट्स टेन्योर, और यही कारण है कि जो अब आम आदमी पार्टी है वो ट्राई कर रहा है, क्या ट्राई कर रहा है, जो पोल को टर्न करने की रेफरेंडम के अंदर इस टेन्यूर में, इस कार्यकाल में। द बीजेपी होप्स, बीजेपी होप करती है टू चैलेंज, चैलेंज करने का आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को भी आशा है कि वो आम आदमी पार्टी को चैलेंज करेगा ऑन दिस टर्फ, इस मैदान में, आफ्टर पासिंग, क्या करने के बाद, पासिंग करने के बाद बिल इन दिसंबर 2019 में। सो बीजेपी की भी होप है कि वो आम आदमी पार्टी को चैलेंज करेगा, क्योंकि उन्होंने अभी एक बिल पास किया है दिसंबर में 2019 में। कौन सा बिल है? दैट की केम अप, जो आया है दैट केम अप विद अ लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड ओनरशिप, जो ओनरशिप प्रोवाइड करा देगा टू दोज उनके लिए लिविंग इन दिल्लीज अनऑथराइज्ड कॉलोनी में। सो दिल्ली की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रह रहे हैं उनको ये एक राइट प्रोवाइड करा देगा, ओनरशिप राइट प्रोवाइड करा देगा। वेदर दिस रिसेंट जेस्चर, हालांकि जो रिसेंट का जेस्चर्स है, जो इशारा है, विल स्वे
विल कौन सा इशारा है, वेदर दिस रिसेंट जेस्टर, अभी का जो जेस्टर है कौन सा जेस्टर है, दैट की दैट इज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द रफली 5 मिलियन पीपल इन सच एरियाज, जो रफली 5 मिलियन पीपल को ही फायदा देगा, विल स्वे इन्फ्लुएंस करेगा वोटर्स को, रिमेन टू बी सीन, ये देखा जाना अभी बाकी है वेदर क्या जो अभी का जो इशारा है बीजेपी का विल स्वे प्रभावित करेगा वोटर्स को, रिमेन्स टू बी सीन, ये अभी देखा जाना बाकी है. सो इट वॉज ऑल अबाउट द आर्टिकल, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू वेरी मच.